नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका साथ की बात में। संसद के मॉनसून सत्र में भारी हंगामा हो रहा है, खासकर पेगासस जासूसी विवाद और किसानों के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को पूरी ताकत के साथ घेर रहा है। संसद में हंगामा हो रहा है जिसके चलते कार्रवाई ठीक से नहीं चल पा रही। अब खबर ये आ रही है कि विपक्ष संसद के बाहर समांतर संसद सत्र चलाने के मूड में है। विपक्ष से जुड़े सूत्रों से इस तरह के प्रस्ताव की जानकारी मिली है। सबसे अहम बात यह है कि इस प्रस्ताव पर चर्चा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ मीटिंग में की जाएगी। राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं को कल सुबह 9:30 बजे एग्जैक्ट 9:30 बजे दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 9:30 बजे मंगलवार को नाश्ते पर बुलाया है। यहां दोनों सदनों के विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स को बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि संसद में आगे की रणनीति और विपक्ष को एकजुट करने के लिए और राहुल गांधी ने ये पहल की है। राहुल गांधी ने सभी विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाया। तृणमूल कांग्रेस को भी न्योता भेजा गया है। हालांकि टीएमसी सूत्रों का कहना है कि उन्हें अभी तक औपचारिक तौर पर न्योता नहीं मिला है। बहरहाल राहुल गांधी ने एक बार फिर विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की है। विपक्षी दलों की बैठक में राहुल गांधी 2 बार हिस्सा ले चुके हैं। विजय चौक पर विपक्षी नेताओं के साथ वो प्रेस वार्ता कर चुके हैं और अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी नेताओं के साथ नाश्ते पर चर्चा कर रहे हैं। गौरतलब है कि मौजूदा संसद सत्र 19 जुलाई से चल रहा है। इस सत्र में लगातार हंगामा हो रहा है। विपक्ष कृषि से जुड़े 3 कानून वापस लेने की मांग कर रहा है और पेगासस जासूसी कांड पर सरकार से चर्चा की मांग भी उठा रहा है। दोनों ही मसलों पर हर दिन सदन में हंगामा हो रहा है और लगातार कार्यवाही स्थगित भी की जा रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार अपने मन मुताबिक बिल पास कराना चाहती है और महंगाई, पेगासस या कृषि कानून जैसे मुद्दों से भाग रही है। इस गहमागहमी के बीच ही यह खबर सामने आई है कि विपक्ष अब संसद के बाहर समांतर सत्र चलाने पर विचार कर रहा है। तो राहुल गांधी ने विपक्ष के तमाम नेताओं को नाश्ते पर बुलाया है। इस संसद सत्र में सरकार जिस तरीके का एक तानाशाही रवैया अपना रही है, भाजपा सरकार ने पार्लियामेंट को राजदरबार अपना समझ रखा है और वो विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है। पेगासस को लेकर कांग्रेस पार्टी के जो सवाल हैं कि आखिर किसके कहने पर पेगासस के माध्यम से राहुल गांधी सहित सभी नेताओं की जासूसी कराई जा रही है, क्या देश की लोगों की जासूसी के लिए सरकार बनी थी? अगर सही समय पर जासूसी की होती तो पुलवामा, चंपोर, पठानकोट जैसी घटनाएं नहीं होती। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी श्री राहुल गांधी जी ने विपक्ष के नेताओं की बैठक बुलाई है। सरकार को जनता के प्रति, देश के प्रति और विपक्ष के नेताओं के प्रति जवाबदेही होना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। देश की ही जनता ने विपक्ष को भी चुना है और देश की ही जनता ने सरकार को चुना है। तो अगर जनता की आवाज विपक्ष उठा रहा है कि सरकार क्यों आखिर लोगों के घरों में ताक झांक कर रही है, तो निश्चित तौर से इसका लेकर जवाब देना पड़ेगा। इसी को लेकर बैठक है और आगे की जो रणनीति है वो बनाई जाएगी। नाश्ता पॉलिटिक्स शुरू करती है। जी हाँ, राहुल गांधी अब सभी विपक्षी के जो भी सीनियर लीडर्स हैं उन्हें नाश्ते पर औपचारिक तौर पर इनवाइट कर चुके हैं और कल ये मीटिंग होगी। आपको बता दें कि संसद के बाहर समांतर संसद चलाने को लेकर विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष की तरफ से आरोप लग रहा है कि सरकार मनमाने तरीके से सभी अध्यादेश पारित करवाना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि विपक्ष जो है वो कहता हुआ नजर आ रहा है कि जो कृषि कानून है उन्हें वापस लिया जाए। पेगासस विवाद पर सरकार क्यों चुप्पी साधे हुए है और महंगाई के मुद्दे पर सरकार क्यों चुप है? वहीं सरकार की तरफ से तर्क दिए जा रहे हैं कि विपक्ष जानबूझकर जो अध्यादेश है उन्हें पारित नहीं करवाने देना चाहती है क्योंकि विपक्ष ये नहीं चाहता कि देश की जनता का भला हो। अब दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार को लेकर हमलावर हैं, चाहे वो संसद हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, और अब वो नाश्ता पॉलिटिक्स करने में जुटे हुए हैं।
जम्मू कश्मीर में सेना द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑल आउट की सफलता के बाद अब प्रशासन ने कश्मीर में पत्थरबाजों के खिलाफ बड़ा एक्शन किया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कश्मीर में पत्थरबाजी में संलिप्त युवाओं को ना तो पासपोर्ट और ना ही सरकारी नौकरी देने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद इस जो भी पूरा मामला सामने आया है, जिसके बाद यह अध्यादेश दिया गया तो चारों तरफ जश्न देखने के लिए मिला है। ढोल और नगाड़ों की थाप पर झूम रहे ये लोग जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता हैं। डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता सोमवार को जम्मू की सड़कों पर निकले और सरकार के उस फैसले का नाच गाकर स्वागत किया, जिस फैसले में सरकार ने कश्मीर में पत्थरबाजी में संलिप्त युवाओं को पासपोर्ट और सरकारी नौकरी ना देने का फैसला किया है। डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऑपरेशन ऑल आउट के बाद अब सरकार का ये एक और बड़ा फैसला है, इससे कश्मीर में अमल बहाली में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि अमन चयन के लिए जम्मू कश्मीर में कई फैसले सरकार लेकर आ रही है। डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि अभी भी कश्मीर के कुछ नेता उन पत्थरबाजों के समर्थन में आ रहे हैं और ये बयान दे रहे हैं कि जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है उनमें से उन्हीं युवाओं पर यह एक्शन होना चाहिए जिनके खिलाफ मामले अदालत में साबित हो गए हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ आतंकी हमले नहीं होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जब सेना या जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है वो सर्चिंग अभियान चलाती है तो कुछ लोग जिन्हें पत्थरबाज नाम दिया गया है वो सेना पर हमला करते हैं, पुलिस पर हमला करते हैं, जिसमें हमारी सेना और हमारी पुलिस पर काफी ज्यादा हमले हो चुके हैं। तो ऐसे में ये फैसला बहुत बड़ा माना जा रहा है। ऐसे नेताओं पर तीखा हमला बोलते हुए डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अब जम्मू कश्मीर की स्थितियां बदल रही हैं और आप ऐसे नेताओं के खिलाफ भी एक्शन होगा जिन नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं। बता दें कि आतंकियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन ऑल आउट का असर काफी दिखा है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत 30 से ज्यादा इनामी और नामी आतंकी कमांडरों को मार गिराया गया है और अब निशाना पत्थरबाजों पर है। कश्मीर में पत्थरबाजों को सरकार ने बढ़िया सबक दिया है। अब पिछली सरकारों में जो पत्थरबाजों को जो सहूलियतें दी जाती थी अब वो सहूलियतें सरकार नहीं देने जा रही है। कश्मीर बहुत ही शांत और बेहतर होने जा रहा है। अब ज़रूरी था ये सज़ा देना, पासपोर्ट और विदेश जाने पर रोक लगाना, नहीं तो वहाँ के लोग जो विपक्षी पार्टियों में थे वो उनको क्रांतिकारी का दर्जा देने में तुले हुए थे, जबकि कश्मीर की जनता को अशांत करने के लिए, सेना को अशांत करने के लिए ये पत्थरबाज जिनको सबक सिखाना ज़रूरी था, सरकार ने बहुत ही बेहतर निर्णय लिया है। उनको अब विदेश जाने के लिए अनुमति नहीं मिलेगी और कोई भी उनको सुविधाओं से कई वंचित रखा जाएगा, जैसा पासपोर्ट पर उनके ये लिखा जाएगा कि ये पत्थरबाज हैं। तो अब 370 हटने के बाद बहुत ही शानदार काम सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद बड़े फैसले सरकार लेती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले आतंकियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया, जिसका असर काफी अच्छा देखने को मिला है। कई इनामी जो आतंकी हैं वो मार गिराए गए हैं सेना द्वारा, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ा फैसला सरकार ने लिया है पत्थरबाजों को लेकर। पत्थरबाजी जो लगातार वहां के युवाओं को बरगलाया जाता है, उन्हें पत्थरबाज बनाया जाता है, उनके खिलाफ ये एक्शन लिया गया है कि अगर पत्थरबाज पत्थरबाजी नहीं छोड़ते हैं तो उनको ना तो पासपोर्ट मिलेगा और ना ही सरकारी नौकरी दी जाएगी। आपको बता दें कि कई बार ऐसे दृश्य दिखे हैं जब जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर सेना सर्चिंग अभियान चलाती है और छापेमारी करती है, तो ऐसे में ये पत्थरबाज उन सेनाओं पर, उन पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी करते हैं जिसमें कई सेना के जवान और कई पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। ऐसे में फैसला बहुत ही बड़ा माना जा रहा है। वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि ऐसे में जम्मू कश्मीर में अमन चैन एक बार फिर से लौटता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के कुछ नेता ऐसे हैं जो इस फैसले को लेकर काफी गुस्साए हुए नजर आ रहे हैं। मुहर्रम को लेकर उत्तर प्रदेश में एक सर्कुलर जारी हुआ, इसमें यूपी में इस साल मुहर्रम पर जुलूस नहीं निकालने का निर्देश दिया गया था।
गाइडलाइंस या सर्कुलर सामने आने के बाद अब इन पर हंगामा शुरू हो गया है, जैसा कि हर बार होता है। शिया धर्मगुरु गाइडलाइंस में लिखी बातों पर आपत्ति जता रहे हैं। वहीं यूपी पुलिस का कहना है कि जारी सर्कुलर में कुछ विवादित या नया नहीं जोड़ा गया है। बता दें कि शिया समुदाय मुहर्रम के 68 दिनों में शोक मनाता है। मुहर्रम की 10वीं तारीख को ताजिया निकाला जाता है। इस पर ताजिया 19 जुलाई को निकालना जाना है, जिस पर पाबंदी लगा दी गई है। सबसे पहले समझिए कि विवाद की वजह क्या है। डीजीपी मुख्यालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस के एक पॉइंट पर मुख्य तौर पर शिया धर्मगुरुओं ने आपत्ति जताई है। जी हां, गाइडलाइंस के चौथे पॉइंट के एक हिस्से में लिखा है, पुराने लंबित धार्मिक एवं सांप्रदायिक प्रकरणों तथा ऐसे नए उठने वाले विवादों, आप परंपरागत धार्मिक जुलूसों, कार्यों, यौन संबंधी घटनाओं, गौवंश व्यय, परिवहन आदि घटनाओं को लेकर पूर्व में अनेक अवसरों पर सांप्रदायिक सद्भाव प्रभावित होता रहा है। उसके दृष्टिगत विशेष सतर्कता उपेक्षित है। गाइडलाइंस पर शिया धर्मगुरु मौलाना कलबे जावेद ने आपत्ति जता दी है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए यूपी पुलिस को कोर्ट में लेकर जाना चाहिए। वो बोले, गाइडलाइंस शिया के ऊपर झूठे आरोपों का पुलिंदा है। लिखा है कि मुहर्रम में रेप होते हैं, गाय काटी जाती है, क्या ये सब कोविड गाइडलाइंस है? मौलाना कलबे जावेद ने आरोप लगाया कि ऐसा करके सिर्फ शिया सुन्नी नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम का भाईचारा खराब करने की कोशिश है। वो बोली, एक गोलियों भरा खत है जिसमें हमारे समुदाय को गाली भी दी गई है। उन्होंने इस लेटर को वापस लेने की मांग की है। जावद ने कहा है कि वो लोग खुद कोरोना की वजह से जुलूस नहीं निकालने वाले थे। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और शिया धर्मगुरु मौलाना यासुब अब्बास ने भी इस सर्कुलर की निंदा कर दी है। वो बोले कि ऐसा लगता है कि ये किसी तालिबानी सोच वाले व्यक्ति ने लिखी है। उन्होंने इसे सऊदी और वहाबी सोच का नमूना तक कह दिया है। गाइडलाइंस को लेकर उठे विवाद पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने फोन पर बातचीत की और कहा कि 3-4 साल से यही सर्कुलर जारी हो रहा है, इसमें कोई भी बात नई नहीं लिखी है। आगे ये भी कहा गया है कि इंटेलिजेंस के इनपुट के आधार पर यह अपने अफसरों को सतर्कता बरतने के लिए जारी किया गया है, जो कि पुलिस विभाग का इंटरनल सर्कुलर है, किसी बाहरी व्यक्ति के लिए इससे कोई सरोकार नहीं है। प्रशांत कुमार ने कहा कि इसमें कुछ विवादित नहीं है और ना ही कोई नई बात जोड़ी गई है। तो आइए सुनते हैं कि प्रशांत कुमार, जो कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, क्या कुछ कहा है उन्होंने। चंद्र दर्शन के अनुसार इस वर्ष मुहर्रम दिनांक 10-8 से लेके 19-8 तक संपन्न होगा। इस संबंध में एक विस्तृत दिशा निर्देश फील्ड के सभी अधिकारियों के लिए 31 जुलाई को पुलिस महानिदेशक का कार्यालय से जारी किए गए हैं, जिसमें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है और पूर्व में किस तरह के विवाद इस दौरान होते हैं, इसका पूरा उल्लेख है। ये एक विभागीय इंटरनल ऑर्डर है, जो कि पूर्व में जो चीज़ें होती रही हैं या जो ग्राउंड रियलिटी है उसके आधार पर दिया गया है। इसमें किसी भी तरह के समुदाय या धर्म के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा गया है। इसमें ये सिर्फ बताया गया है कि जो असामाजिक तत्व हैं वो सौहार्द बिगाड़ने का कार्य कर सकते हैं, उन पर कड़ी नज़र रखी जाए और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। और इस तरह के आदेश प्रत्येक त्यौहार के पहले जारी किए जाते हैं और हूबहू यही आदेश केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो अभी के निर्देश प्राप्त हुए हैं तथा कोविड के संबंध में जो भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देश है उसका समावेश किया गया है। और पूर्व के सालों में 2019-2020 में भी सेम ये सारे निर्देश वही हैं जो कि पूर्व में जारी किए गए थे। इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है और किसी भी तरीके से किसी भी वर्ग विशेष या धर्म विशेष के की भावनाओं को आहत करने की इसमें कोई बात नहीं है। ये विभागीय ऑर्डर है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभागीय अधिकारियों को ये सूचनाएं दी गई। तो उत्तर प्रदेश में मुहर्रम से पहले एक सर्कुलर जारी किया गया,
इस सर्कुलर को जैसे ही जारी किया गया वैसे ही यूपी में बवाल मच गया। जी हाँ, कई मुस्लिम धर्मगुरु, कई मौलाना ऐसे हैं जिन्होंने फतवे जारी कर दिए हैं। उन्होंने आरोप लगा दिया है कि कोरोना प्रोटोकॉल के नाम पर हमारे धर्म को गालियां दी जा रही हैं, हमारे त्यौहार को गालियां दी जा रही हैं। ऐसे में तमाम बातें जो हैं उसका विरोध यहाँ पर मुस्लिम मौलाना, मुस्लिम धर्मगुरु करते हुए नजर आए हैं। वहीं प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि हर साल जो सर्कुलर जारी होता है वही सर्कुलर जारी हुआ है, उसमें कुछ भी नया नहीं है, लेकिन फिर भी मुस्लिम धर्मगुरु इसे लेकर अदालत तक ले जाने की बात कर रहे हैं, ये कहीं तक भी ठीक नहीं है। आपको बता दें कि कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए कई धार्मिक सम्मेलनों में बदलाव किए गए हैं। अगर बात की जाए मुहर्रम की तो हर साल एक बड़ा जुलूस निकाला जाता है, कई ताजिए निकाले जाते हैं, ऐसे में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन कोरोना काल में ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऐसा होता है तो कोरोना संक्रमण तेजी के साथ बढ़ सकता है, इसी वजह से यह फैसला लिया गया। लेकिन सर्कुलर में कोई चेंज नहीं है, उसके बावजूद भी जो फतवे हैं वो जारी कर दिए गए हैं। उसके अलावा मौलाना धर्मगुरु और कुछ ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं और इसको कह रहे हैं कि इसको लेकर विवाद हो सकता है मुस्लिमों और हिंदुओं में। शिया सुन्नी तो अलग बात है, यहाँ पर जो मुस्लिम और हिंदुओं का भाईचारा है उसे भी खत्म करने की कोशिश हो रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं एक गैप देने की कोशिश हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में मुहर्रम को लेकर एक सर्कुलर जारी हुआ जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। कई मुस्लिम धर्मगुरु और कई मौलाना ऐसे हैं जो इससे खफा नजर आ रहे हैं और उनके कई बयान सामने आए हैं। उनका कहना है कि ये सर्कुलर सही नहीं है, ये शिया सुन्नी के बीच विवाद पैदा करने वाला है। साथ ही साथ सिर्फ शिया सुन्नी ही नहीं, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है उसके ऊपर भी ये सर्कुलर कटाक्ष है। ऐसे में प्रशांत कुमार, जो कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि हर साल जो सर्कुलर जारी किया जाता था वही सर्कुलर इस बार भी जारी किया गया है, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। हालांकि कोरोना की वजह से कुछ चेंज जरूर किया गया है, कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करने की बात की गई है। वहीं यहां पर मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि हम खुद ही कोरोना प्रोटोकॉल्स का पूरी तरह से पालन करेंगे, हम ताजिया नहीं निकालेंगे और जो भी गाइडलाइंस है उनका फॉलो किया जाएगा। लेकिन जो भी इस सर्कुलर में कहा गया है, जो कि पॉइंट नंबर 4 पर छपा हुआ है, उससे कहीं ना कहीं वो नाराज नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। इन्हीं गतिविधियों से इतर सोमवार को नई दिल्ली में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख यानी कि लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को ट्वीट पर दोनों दिग्गजों की मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। अब देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। बता दें कि मुलायम सिंह यादव ने सोमवार को संसद के सत्र में भी भाग लिया था। अखिलेश ने जो फोटो साझा किया उसमें दोनों ही नेता चाय पीते नजर आ रहे हैं, तो इस चाय के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इस मुलाकात के बाद लालू यादव ने भी ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि देश के वरिष्ठतम समाजवादी साथी आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेत्र में जाना, खेत खलिहान, गैर बराबरी, अशिक्षा, किसानों, गरीबों, बेरोजगारों के लिए हमारी सांची चिंताएं और लड़ाई है। आज देश को पूंजीवादी और सांप्रदायवादी नहीं बल्कि लोक समता और समाजवाद की अत्यंत आवश्यकता है। जमानत पर बाहर आए लालू प्रसाद यादव अभी नई दिल्ली में ही अपनी बेटी और सांसद मीसा भारती के आवास पर रुके हुए हैं। हाल ही के दिनों में उन्होंने मुलाकात का दौर शुरू कर दिया है। बीते दिनों राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार से भी लालू यादव ने मुलाकात की थी। तो मुलायम सिंह यादव से पहले समाजवादी पार्टी के ही नेता रामगोपाल यादव से भी लालू प्रसाद यादव की मुलाकात हुई। रामगोपाल यादव भी शरद पवार के साथ ही लालू यादव से मिलने के लिए पहुंचे थे। खास बात यह है कि मुलाकातें अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ही हो रही है। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और एनसीपी का गठबंधन हुआ है। इसके अलावा अन्य विपक्षी दल भी समाजवादी पार्टी के साथ आ सकते हैं। समाजवादी पार्टी अगले साल होने वाले यूपी चुनाव की तैयारी में जुटी है। सपा ने तय किया है कि इस बार वो किसी बड़े राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं करेगी, हालांकि सपा छोटे दलों के साथ गठबंधन जरूर करती हुई नजर आएगी। तो इस पर विपक्ष के द्वारा क्या कुछ कहा गया है वो सुनिए। लालू प्रसाद यादव जी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई आधार नहीं है और अब वो बुजुर्ग हो गए हैं,
बिहार में भी उनके बेटों ने अब विरासत को संभाल लिया है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी को उनकी पार्टी के लोगों ने ही बेतफेस कर उनके बेटे ने उनको कुर्सी से हटा दिया है। अब मुलायम सिंह यादव जी को कोई समाजवादी पार्टी में नहीं सुनता, तो मुलायम सिंह यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी के मिलने से कोई समीकरण नहीं बन सकता। अखिलेश यादव जी आज अपने नए साथी नहीं तलाश पा रहे हैं, सारे प्रयास करके देख लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में न युवराज का साथ पसंद आया, न बुआ बबुआ का गठजोड़ पसंद आया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बार बार असफल साबित हुए। कुशवाहा द्वारा दिए गए एक बयान ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने बीते दिन कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री लेवल के मटेरियल हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस पर पलटवार किया जा रहा है। बिहार सरकार में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी ने इस बयान पर टिप्पणी की कि अगले 10 साल तक प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। इसके बाद बिहार की राजनीति में गर्माहट दिखाई देने लगी। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब यह कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के मटेरियल हैं, तो भाजपा में भी मुख्यमंत्री पद के कई मटेरियल हैं। इस पर उपेंद्र कुशवाहा की ओर से पलटवार किया गया। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से 1 घंटे पहले तक भी कोई नीतीश कुमार को कोई मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा सकता है। तारीख में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, मैंने सिर्फ उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए, आज से नहीं, बहुत पुराना संबंध है, शुरू से ही मानते रहे, जब से हम लोग यंग थे और उस समय से ये कितना हम लोगों को स्नेह करते रहे हैं। तो इसलिए जो अभी हाल में बातचीत हुई और मैं पटना में ही था, तो उसी समय हमने कहा कि नहीं, जरूर हमारे आ रहे हैं दिल्ली, तो आपका दर्शन जरूर करेंगे। तो आज हम दर्शन करने आए। नहीं, नहीं, पार्टी के पुराने साथी हैं जो भी, और हमने ये ऑथोराइज किया था उनको, आरसीपी सिंह को, जो पिछली बार हम बना दिए थे 7 महीना पहले, तो अभी उनकी इच्छा हो रही थी, तो हमने कहा ठीक है, ये तो उन्हीं का प्रस्ताव है ना, इसलिए उसमें क्या, और इसमें पार्टी को जरा सा भी कोई एतराज नहीं, आपत्ति नहीं। नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद ये वक्तव्य खुद ही दिया था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के कहने पर मैं प्रधान मुख्यमंत्री बना हूँ, तो इसमें दिक्कत क्या है? देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि आप मुख्यमंत्री बने, तभी तो वो मुख्यमंत्री हैं, इसमें कहाँ दो मत है। ये तो प्रधानमंत्री वो खुद ही कहते हैं, नीतीश जी कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने अपनी बैठक में ये कहा कि प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर मैं बिहार का मुख्यमंत्री हूँ, इसमें कहाँ दो मत है। ये भाजपा पूरी तरह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार चलाने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और किन्हीं को बनना है तो उसके लिए पहले या तो चुनाव की प्रक्रिया हो या वैकेंसी हो। अभी कोई वैकेंसी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 तक प्रधानमंत्री हैं, और आगे भी अभी 10 साल तक दूसरे को इंतजार करना है किसी को प्रधानमंत्री बनना है तो। नीतीश कुमार में आपको झलक दिखती है पीएम? नहीं, नीतीश कुमार जी अपने पार्टी के, जनता दल यूनाइटेड के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, इसमें कहाँ इश्यूज है, इसमें तो कोई इश्यूज ही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के आज के तारीख में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और आगे के दिनों में भी देश के प्रधानमंत्री वही रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ई रुपए की शुरुआत की। इसका उद्देश्य कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देना है। ई रुपी को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर वित्त सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है। ई रुपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन को, डीबीटी को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। उन्होंने कहा कि सरकार ही नहीं, अगर कोई सामान्य संस्था या संगठन किसी के इलाज में, किसी की पढ़ाई में या दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है, तो वो कैश के बजाय ई रुपए दे पाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि उसके द्वारा दिया गया धन उसी काम में लगा है जिसके लिए वो राशि दी गई है। तो आज ई रुपी लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई रुपी को लॉन्च किया है, जिसका मेन मकसद है कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देना।
ई रूपी को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर वित्त सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहे हैं। ई रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन को, डेबिट को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ही नहीं, अगर कोई सामान्य संस्था या संगठन किसी के इलाज में, किसी की पढ़ाई में या फिर किसी भी अन्य काम के लिए कोई मदद करना चाहता है तो वो कैश के बजाय ई रूपी दे पाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि इसके द्वारा दिया गया धन उसी काम में लगा है जिसके लिए वो राशि दी गई है। तो आज करीब 4:30 बजे ये ई रूपी लॉन्च हुआ है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही हैं। और साथ की बात में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।